खत्म होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान, गरीबी के निशान, हमारे जवान देश के साथ। नकली अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़, छापामार कर दो व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर से सटे रसोईयापुर मार्ग पर अवतार सिंह पुत्र मलकीत सिंह के फॉर्म पर पुलिस ने मुखी की सूचना पर नकली अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापामार कर शराब बनाने के सभी उपकरण सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 42,000 रूपए नगद बरामद हुए हैं। वही SSP वरिंदरजीत सिंह ने बताया कि पकड़े गए दो व्यक्तियों में गगन शर्मा निवासी चंडीगढ़, दूसरा मलकीत सिंह निवासी पंजाब का रहने वाला है। उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही। बताया गया कि फार्म हाउस मालिक अवतार सिंह ने कुछ दिन पूर्व शराब बनाने के काम के लिए अपने फार्म पर बुलाया था। SSP ने बताया कि फार्म हाउस मालिक अवतार सिंह को पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं, जल्द ही उसे हिरासत में लिया जाएगा। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। जो मेन अभियुक्त इसमें अवतार सिंह है, जिसके घर पर ही फैक्ट्री चल रही थी, वो भी वांटेड है, उसको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तकरीबन 148 पेटी शराब बनी हुई मिली है और 550 बोतलें खाली मिली हैं जो ये बनाने वाले थे। उसके अलावा जैसा आप देख रहे हैं कि टंकी मिली है जहाँ इन्होंने तमाम मटीरियल तैयार करके डाला हुआ था, जिससे ये बोतलें भरने का काम चल रहा था। और ये दो जो अभियुक्त हैं, एक इसमें चंडीगढ़ का बताया जा रहा है गगन शर्मा, और एक जगमीत है, ये रोपड़ का है। तो इनके द्वारा बताया कुछ दिन पहले ही अवतार सिंह द्वारा इनको यहाँ बुलाया गया था ये सारा काम करने के लिए, और ये तना बना के आगे सप्लाई करने की फिराक में। बताया गया कि 2-3 बार अभी तक इनके द्वारा कुछ 20-25 पेटियों के आसपास सप्लाई भी की गई है, जिसकी भी जानकारी इनके द्वारा बताया है कि अवतार सिंह को हुई। मुकदमा दर्ज कर लिया, इनसे गहन पूछताछ की जा रही है और जल्द ही अवतार सिंह को गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो स्पिरिट मिला है और तमाम जो शराब बनाने के उपकरण उनको भी सीज किया गया है। ये भी चेक किया जा रहा है कि ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है कहीं चंडीगढ़ में, अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो कॉपीराइट एक्ट की बात होगी।